केन्या के एक स्कूल में अचानक लगभग 100 लड़कियां बीमार हो गई। हैरानी की बात है कि इन सभी के शरीर का निचला हिस्सा एक साथ पैरालाइज हो गया। इसका कारण जानने के लिए लड़कियों को ब्लड और यूरिन सैंपल कलेक्ट किए गए हैं, हालांकि अभी कुछ साफ नहीं हो सका। देश और दुनिया में कई अनोखे मामले सामने आते हैं जिसे समझने में विज्ञान को भी समय लग जाता है। कई बार अचानक एक साथ कई लोगों में अजीब बीमारी या अजीब बर्ताव हैरान कर देता है। ऐसी स्थिति को महामारी कहा जाए। हाल ही में केन्या के एक स्कूल में ऐसा ही एक मामला सामने आया। यहाँ के काकामेगा काउंटी में हाई स्कूल की लगभग 95 छात्राओं के साथ कुछ अजीब हुआ। सेंट थेरेसा एर्गी हाई स्कूल की लड़कियां बीते कुछ सप्ताह से अस्पताल में भर्ती हैं। अजीब सी बीमारी के चलते एक साथ इन लड़कियों के शरीर का निचला हिस्सा पूरी तरह से पैरालाइज हो गया। कथित महामारी ने लड़कियों के परिवार को घबराहट और चिंता में डाल दिया है। स्थानीय मीडिया आउटलेट्स ने बताया कि अचानक इन लड़कियों के पैर सुन्न और गतिहीन हो गए। केन्याई सोशल मीडिया पर वायरल क्लिप में लड़कियों को लंगड़ाकर लड़खड़ाकर चलते हुए देखा जा सकता है। देखिए किस तरह से लड़कियां इंक्लाइन में कतारबद्ध होकर लंगड़ाकर और लड़खड़ाकर चल रही हैं। काकामेगा काउंटी के स्वास्थ्य सीईसी बर्नार्ड वेसोनगोहा ने पत्रकारों को बताया कि अज्ञात बीमारी का कारण समझने के लिए लड़कियों के ब्लड, यूरिन और स्टूल के सैंपल कलेक्ट किए गए हैं। इन्हें टेस्ट के लिए भेजा गया है, लेकिन अभी तक इसका सटीक कारण पता नहीं चल पाया। घटना के बाद से स्कूलों को अनिश्चित काल के लिए बंद कर दिया गया है।